मेरा नाम देवेंद्र, गांव चाणा कला धर्म खास से संबंध रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूं कि आपका जो ये धरना है खक्कर टोल प्लाजा पर, ये सबसे सफल है। मैं तीनों बॉर्डर पर गया, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। उसके बाद अगर कोई मजबूत धरना स्थल है तो वो खक्कर प्लाजा वाला है। एक बार आपके लिए खुद के लिए तालियां बजा लो। उसके बाद कुछ अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ हमारे नेताओं के जो संदेश हैं, काफी भाइयों तक तो जो YouTube वगैरह चलाते हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो फोन वगैरह नहीं चलाते, उन तक वो हमारे नेताओं का जो आदेश है वो पहुंचता नहीं है। और मैंने लगभग जितनी भी महापंचायतें हुई है वो सारी कवर की है हरियाणा के अंदर। अभी खरक पुनिया महापंचायत हुई थी, हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया था भाई धरना लंबा चल सकता है और हो सकता है सरकार को लग रहा है कि जैसे अब फसल का टाइम आ गया, गेहूं कटाई का टाइम आ गया तो बॉर्डर पर संख्या कम हो जाएगी, लोग वापस चले जाएंगे। तो हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया था भाई हम इस आंदोलन को मरने नहीं देंगे, आंदोलन चलता रहेगा, हम अपनी एक फसल भी कुर्बान कर देंगे, हम अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। कितने लोग सहमत है भाई? एक पत्रकार छायाकार बंधु भाई एक बार दिखा दे इनको, मैसेज पहुंचना चाहिए। इतने आंदोलन को झुकने नहीं दिया जाएगा। सरकार को अगर ये लग रहा है कि गेहूं की फसल की कटाई के कारण लोग घर वापस चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। और फिर हमारे हरियाणा के सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, वो शख्सियत जब पंजाब वाले साथी दिल्ली कूच करना चाह रहे थे और हरियाणा सरकार ने, एक बार शांति से सुने भाई, बहुत काम की बातें हैं, आवाज ना करें। सभी साथियों से निवेदन है जो पंडाल से बाहर बैठे हैं, आवाज पहुंच रही है, बड़े ध्यान से सुने, बहुत काम की बातें हैं। तो जब पंजाब वाले हमारे साथी आंदोलनकारी भाई दिल्ली कूच करना चाह रहे थे तो आप सभी को पता है हरियाणा सरकार ने किस प्रकार से उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए, सड़कें खुदवा दी गई। तो हमारे हरियाणा के सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने उनकी अगुवाई की और उनको दिल्ली बॉर्डर तक लेके गए, जिसकी वजह से आज ये हमारा आंदोलन आज इतना सक्रिय है। तो कल उनकी बरवाड़ा के अंदर महापंचायत थी और आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी, वो महापंचायत दलितों की महापंचायत थी। बरवाड़ा के अंदर उस दलितों की महापंचायत में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने कहा कि सर छोटू राम जी और भीमराव अंबेडकर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही बुद्धिजीवियों का मानना था कि अगर किसान और दलित दोनों मिल जाएं तो वो एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होगा। तो गुरनाम सिंह जी ने आह्वान किया है भाई जितने भी हमारे किसान साथी हैं वो अपने घर में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे और जितने भी हमारे दलित साथी हैं वो अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाएंगे। कितने लोग सहमत है भाई? तो हमारे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के इस आदेश का भी आपको पालना करना है। उसके बाद कई जगह कई बार ऐसा होता है जहां संदेश में पहुंचने में कई गड़बड़ हो जाती है और आंदोलन में कोई छोटी मोटी हिंसा हो जाती है या फिर सरकार की ऐसी मंशा होती है कि वो जानबूझकर हिंसा करवा देती है, जैसे वो लाल किले वाली है। तो मैं सभी भाइयों से साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जब तक हमारा धरना, जब तक हमारा आंदोलन अहिंसा के मार्ग पर है, हम सफलता के मार्ग पर हैं। अगर हम हिंसा करेंगे तो उसमें हम सरकार का नुकसान नहीं कर रहे, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। सोचना समझने की चीज है,
ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। हिंसा में अगर आप पुलिस वालों को मारते हैं, पुलिस वालों के साथ हाथापाई होती है, तो वो भी आपके अपने बेटे हैं, अपने भाई हैं, आपके अपने बेटे हैं, आपके अपने भाई हैं। किसी प्राइवेट कंपनी का अगर आप नुकसान करते हैं तो सरकार उसको मुआवजा देती, जैसे पंजाब के अंदर टावरों को तोड़ा गया तो उनको सरकार पैसा देगी और वो पैसा भी आपकी और हमारी जेब से जाता है टैक्सों के रूप में। और फिर अगर सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सरकारी कंपनियां जितनी भी खड़ी हुई है वो भी आपके पैसे से खड़ी हुई है, आपने टैक्स के रूप में जो पैसा दिया है। कोई ऐसा भाई अगर मानता है कि मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स ही नहीं भरता, तो मैं बता दूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम हर कोई टैक्स देते हैं। हम एक साबुन खरीदते हैं, शैंपू खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है। काम की बात है, प्रधान जी फालतू की बात नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि आंदोलन में हिंसा नहीं होनी। अगर कोई कहता है कि हिंसा की जाए तो उसका विरोध करना है। अहिंसा के मार्ग पर आपका आंदोलन जितने दिन चलेगा, जितना लंबा चलेगा, हमें देर हो सकती है लेकिन हम जीतेंगे जरूर, ये हमारा विश्वास है। तो प्रधान जी बार बार कह रहे भाई छोटा कर लो, तो धन्यवाद साथियों के एक दो नारे के साथ मैं अपनी अपना विचारों को विराम दूंगा यहीं पर। किसान एकता, 36 बिरादरी का भाईचारा, धन्यवाद।